आज मैं आपको अपने ये प्लांट्स दिखाना चाहती हूँ। ये देखो एलोवेरा के प्लांट्स हैं, ये 2 साल पुराना पौधा है। इसके इसमें से बहुत से ऐसे बड़े बड़े निकाल के मैं लोगों को गिफ्ट कर चुकी हूँ, एक एक पौधा पूरा बना बना के बंच। ये देखें दूसरा गमला, वो तीसरा गमला। इसके अलावा पीछे लॉन में मैंने इसके इसके छोटे छोटे जो निकलते रहते हैं, जैसे ये देखें जिस तरह छोटे छोटे इसके निकलते रहते हैं बेबीज़, ये निकाल के मैं ज़मीन में जब लगा देती हूँ तो वो फिर बड़ा पूरा एक बंच बन जाता है। अच्छा, एलोवेरा के फ़ायदे आपको बताने थे। एलोवेरा जो है, इसी तरह आप ये फांग के पूरी काट लें, धोएं इसको, इसको फिर छीलें, छील के इसका जो गूदा है ना वो आप सर में लगा सकते हैं डैंड्रफ के लिए। वो कैसे लगाना है, जब गूदा निकल आएगा उसको अच्छा सा फेंट लीजिएगा, उसमें सरसों का ऑयल या नारियल का तेल, ये मैंने खुद लगा के ट्राई किया है, नारियल के तेल में गूदा मिक्स करके, तो 1 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें, उसके बाद सर वॉश कर लें तो इंशाल्लाह ताला बाल बड़े मुलायम सॉफ्ट शाइनी भी होंगे और डैंड्रफ भी चली जाएगी। इसके अलावा ये हम अपने फेस पे भी इसको लगा सकते हैं, अपने हाथों की क्लिनजिंग भी कर सकते हैं। एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो इसका एक प्लांट अपने घर में ज़रूर लगा के रखें। टाइम वक्त अपनी रेसिपी के साथ साथ मैं आपको इसकी भी एक रेसिपी आइंदा आने वाली उसमें दिया करूँगी।